मिले थे। सबकी मांग थी कि आम आदमी पार्टी आने वाले चुनाव में मुख्यमंत्री चेहरा भंडारी समाज से बनाए। उनका कहना है कि जब भंडारी समाज इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और इतनी बड़ी संख्या में, तो हम में कमी क्या है? उनका सवाल है, भंडारी समाज के लोगों का सवाल है कि आखिर हम में क्या कमी है कि कोई भी पार्टी भंडारी समाज से कभी कोई किसी को मुख्यमंत्री बनाना पसंद नहीं करती है, उसको चेहरा नहीं बनाती है। भंडारी समाज के लोगों का मानना है कि उनके उनके साथ अन्याय हुआ है, कांग्रेस ने, भारतीय जनता पार्टी ने उनका यूज़ तो किया हमेशा, लेकिन कभी मुख्यमंत्री कैंडिडेट तक देना उनके लिए उचित नहीं समझा। हमेशा चुनाव में यूज़ किया और फिर साइड कर दिया चुनाव जीतने के बाद। हम बार बार इस बात को कहते रहे कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों लोगों को इस्तेमाल करने की, लोगों को बांटने की राजनीति करती रही हैं। आम आदमी पार्टी की राजनीति लोगों के लिए काम करने की राजनीति है और सब लोगों को साथ लेके चलने की राजनीति है, सबको जोड़ के चलने की राजनीति है। इसलिए आम आदमी पार्टी ने तय किया है कि हम आने वाले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा भंडारी समाज के किसी व्यक्ति को बनाएंगे, भंडारी समाज से एक व्यक्ति को बनाएंगे। हम जाति की राजनीति नहीं करते, पर अगर किसी समाज के हिस्से को ये लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, स्थापित राजनीति ने इतिहास में, पूरे इतिहास में उसके साथ अन्याय किया है, उसके साथ जस्टिस नहीं किया है, और उसके अंदर इसको लेके निराशा और गुस्से की भावना है, तो उसको भी समाज के साथ लेके चलना हमारी जिम्मेदारी है। हम इसको अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। हम भंडारी समाज से ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएंगे जिस पर पूरे गोवा को गर्व होगा, जो पूरे गोवा के सब लोगों को साथ लेके चलने की क्षमता रखेगा, जो गोवा के विकास के लिए दिन रात मेहनत करके काम करेगा, उस पर पूरे गोवा को गर्व होगा, पूरी तरह से ईमानदार होगा, और हर जाति हर धर्म के लोग उस पर खुद गर्व करेंगे। इस कदम से हमें विश्वास है कि भंडारी समाज के अंदर जो थोड़ी निराशा की भावना है, थोड़ी ये भावना है कि हमारे साथ हमेशा राजनीतिक पार्टियों ने अन्याय किया है, सत्ता ने अन्याय किया है, वो भी दूर होगी, उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, और एक ऐसा मुख्यमंत्री भी मिलेगा गोवा को जो सब लोगों को साथ लेके सबके विकास के लिए, सबकी शिक्षा के लिए, सबके स्वास्थ्य के लिए, सबके रोजगार के लिए, सबकी बिजली के लिए, सबकी उन्नति के लिए काम करेगा। मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हम बहुत जल्द करेंगे और हमें यकीन है कि पूरा भंडारी समाज, पूरा बहुजन समाज, ओबीसी समाज और गोवा के सब लोग उसके नाम से खुश होंगे, ऐसा हम पूरे भरोसा रखते हैं। पार्टी ने यह भी तय किया है कि आने वाले चुनाव के लिए उप मुख्यमंत्री कैथलिक समाज से रहेंगे। इसके अलावा कैबिनेट में हर समाज के लोगों को जोड़ा जाएगा ताकि किसी भी समाज का कोई पक्ष अपने आप को वंचित महसूस ना करे, उपेक्षित महसूस ना करे, किसी को ये ना लगे कि राजनीति उनके साथ अन्याय कर रही है। ये जैसा हमने कहा कि नए गोवा को खड़ा करने के लिए मिशन है, उस मिशन में सबके लिए शिक्षा, सबके लिए सस्ती बिजली, सबके लिए अच्छा स्वास्थ्य, सबके लिए तमाम अच्छी सुविधाएं, सबकी तरक्की के रास्ते खोलने का और समाज के सभी लोगों को यूनाइट करके इकट्ठे लेके चलने का, किसी भी के मन में कोई हीन भावना ना रहे, किसी के मन में ये उपेक्षित भावना ना रहे कि हमें हमेशा उपेक्षा की गई है, इसके लिए आम आदमी पार्टी ने मिशन यूनाइटेड गोवा शुरू किया है ताकि पूरे के पूरे गोवा को यूनाइट करके एक साथ लेके हम चल सकें। इसी